अक्षय कुमार की अपकमिंग फिल्म बच्चन पांडे की कहानी में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। इस बार अक्षय की फिल्म में उनके विलन से लड़ाई काफी खास होने वाली है। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक बच्चन पांडे में कॉमेडी स्टार स्नेहल दावी को मिल चुका है धाकड़ रोल, जो कि लेंगे सीधे पंगा बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार से। जी हां, अक्षय के खिलाफ उनसे लड़ते भिड़ते हुए कोई और नहीं बल्कि स्नेहल डाबी ही नजर आएंगे। हेरा फेरी, लव के लिए कुछ भी करेगा और वेलकम जैसी फिल्मों में नजर आ चुके कलाकार स्नेहल डाबी फिल्म बच्चन पांडे में खलनायक की भूमिका निभाते देखेंगे। स्नेहल डाबी ने बॉलीवुड हंगामा से बातचीत करते हुए कहा कि अक्षय कुमार ने उन्हें ये फिल्म दिलवाने में काफी मदद की है। स्नेहल डाबी ने अपने बयान में क्या कहा, पहले आप जरा वो सुनिए। मैं बच्चन पांडे में काम करने के लिए कोरोना से पहले वापस आया था। अक्षय कुमार चाहते थे कि मैं फिल्म में काम करूं। इससे पहले वो मुझे गब्बर इज बैक में भी काम करने के लिए बुला चुके हैं, लेकिन उस समय मैं लंदन में था जिस कारण मैं उसमें नजर नहीं आया था। इस बार उन्होंने मुझे बच्चन पांडे के लिए बुलाया और मैं हाजिर हो गया। उन्होंने मुझसे साफ पूछा, तू मेरे साथ काम नहीं करना चाहता क्या? मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि कर लो, ये रोल साजिद भाई की फिल्म है। अब जहां स्नेहल ने अक्षय की तो तारीफ की ही, साथ में साजिद का भी धन्यवाद किया। स्नेहल ने साजिद नाडियाडवाला की तारीफ करते हुए कहा है, साजिद भाई बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरे निर्माताओं के साथ काम करूं या ना करूं, लेकिन उनके साथ जरूर करूंगा। वो एक्टर्स का खास ध्यान रखते हैं और उनका प्रोडक्शन हाउस सेट पर अच्छा इंतजाम करता है। भाई सचमुच कहना पड़ेगा, अक्षय अपने दोस्तों का बड़ा ख्याल रखते हैं। कब कहां किसे उनकी जरूरत है ये बात वो नहीं भूलते। हालांकि अपने रोल के बारे में स्नेहल ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन अगर वो फिल्म में खलनायक बन रही हैं, तो जब अक्षय का लुक इतना धांसू है तो फिल्म के विलन कैसे कैसे होंगे, इसका अंदाज आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। फैंस भी अक्षय की बच्चन पांडे का दिल से इंतजार कर रहे हैं। मेकर्स भी कोरोना महामारी से बिगड़े हालात ठीक होने के बाद ही अक्षय कुमार की ये फिल्म रिलीज करने की पूरी पूरी प्लानिंग में है। खैर, उम्मीद तो अब बच्चन पांडे की अगले साल ही रिलीज होने की है, क्योंकि अभी अक्षय की बेल बॉटम, सूर्यवंशी जैसी कई फिल्में रिलीज का इंतजार कर रही हैं। फिल्म बच्चन पांडे में अक्षय कुमार के साथ कृति सेनन और अर्शद वारसी जैसे कई कलाकार नजर आने वाले हैं। वैसे आप बच्चन पांडे में अक्षय कुमार और स्नेहल डाबी की फाइट देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं? शेयर कीजिएगा अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में। बीटाउन की हर लेटेस्ट अपडेट, सेलेब्स की हर छोटी बड़ी गॉसिप्स, आप सभी के चहीते सितारों की पूरी कहानियाँ, सब कुछ मिलेगा आपको हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल पर। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल इंडिया बॉलीवुड वायरल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।